सदियों से कब बदलोगे जीने की आदत है तुमको जीते कब हो हंसना अंडी आप भूल गई आप सो रही थी आपने खुद मुझे कहा था कि मैंने मलिया को दी थी वहीं कमरे में होगी मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है सॉरी आंटी अब चाबी कहाँ है वो तो मैंने मलिक साहब को दी थी वो एडवांस कराया जो ले लिया था ना उनसे चलो ठीक है बेटा आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे लेकिन वो जो इसको कमजोरी है इसका दिल खराब होता है चक्कर आते हैं वो क्या है सब डॉक्टर साहब ये अलामत उन लड़कियों में होती है जो माँ बनने वाली होती है जमी बेटा वो शराज से कहना मुझे मेरे मकान की चाबी दे दे अब आपने क्या करनी है चाबी अरे घर में जरूरी सामान पड़ा हुआ है वो तो ले आऊं मैं अम्मी आप इस तरह यहाँ पे सामान लेके मत आइएगा पता नहीं मेरी सास को बुरा ना लग जाए मजबूरी है मेरी कोई खुशी से नहीं ला रही हूँ मैं पड़ा रहने दे जहाँ पड़ा है और किराएदार जो चाहे हशर करे अरे भाई उसमें मकान की फाइल और जरूरी कागजात हैं अच्छा आ लेने दे शराज को मैं पूछती हूँ सुनो मैं इफ्तखार से बात करके जरूरी कागजात और सामान उसके पास ना रखवा दूँ मर्जी है आपकी सोच लें देखो बहुत अच्छा लड़का है वो और एतमाद वाला भी है ये ठीक रहेगा बस तुम ना मुझे चाबी ले दो क्या बात है आप लोगों को खुशी नहीं हुई नहीं नहीं खुशी तो सारे माँ बाप को होती है ना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद साहिब औलाद हो चल चलो चल अरे आप अपनी ये रिपोर्ट तो लेती जाए हैरत है लोग तो बच्चे की पैदाइश के लिए दुआएं करते हैं और ये लोग मलिया जरा इफ्तखार को फोन तो कर लो क्यों क्या हुआ अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपना जरूरी सामान उसके पास रखवा दूं मम्मी मैं आपको फोन मिला देती हूँ आप उसे खुद ही बात कर लें चलो ठीक है तो ये हेलो हेलो आंटी कैसी हैं आप क्या हाल है इफ्तखार बेटा ठीक तो हो ना जी आंटी सब ठीक ठाक लेकिन आपसे बहुत सी शिकायत है खुदा खैर करे बेटा ऐसी क्या खता हो गई मुझसे आप मकान छोड़कर संध्याने शिफ्ट हो गए और जाते हुए मुलाकात भी नहीं किया तुम्हारी शिकायत बजा है बेटा लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ चंद दिन रहने के लिए आई थी लेकिन मेरी बेटी और दामाद ने मुझे मुस्तकिल रहने पर मजबूर कर दिया और दूसरी शिकायत ये कि आपने घर भेज दिया है लेकिन मुझे इत्तला तक नहीं दी क्या घर नहीं 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 बेटा घर तो नहीं बेचा वो तो मेरे दामाद के जानने वाले हैं बस दो माह के लिए उन्हें घर किराए पर दिए नहीं आंटी जिसने आपका घर खरीदा है वो मुझसे खुद मिला था और उसने मुझे बताया है कि उसने ये घर खरीद लिया है ऐसी बात मत करो इफ्तखार बेटा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा आंटी उसने तो मुझे घर खाली करने के लिए भी कहा है पता नहीं तुमने किससे बात की है बेटा उस आदमी का नाम कोई मलिक है खुद को स्टेट एजेंट बता रहा था नहीं बेटा नहीं तुमने मकान खाली नहीं करना मैं आकर तुमसे बात करूंगी खुद मिलने के लिए आऊंगी लेकिन उससे पहले मैं अपने दामाद से तो बात कर लूं हेलो 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 आंटी अम्मी
अम्मी क्या हो गया? क्या हुआ? तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो कान भेज दिया मेरा शिराज ने। शिराज ऐसा नहीं कर सकता है। आने दे, मैं पूछती हूँ, इफ्तिखार को कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या सोच रही? तू कहती है कि इफ्तिखार अभी कम से कम 3-4 साल तक बाप ही नहीं बनना चाहता था, तो फिर इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचेगा वो? उसकी इसी जिद की वजह से तो मैं बाबे के पास शन्नो को लेके गई थी। मेरा एक मशवरा है कि हमें इफ्तिखार को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए। पागल है, कब तक छिपाएगी उसको? हैं, कल कलां को जब उसको पता चलेगा तो फिर क्या मुंह दिखाएगी जुआई को? गुस्सा क्यों करते हैं? आराम से भी तो मुझे समझा सकते हैं ना। वैसे आपका मशवरा क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर एक बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर इंसान को हजारों झूठ बोलने पड़ जाते। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो तो बेगुनाह है, मासूम है, उसको जमाने की ज्यादतियों की सजा क्यों मिले? एक ही तसल्ली है, इफ्तिखार पढ़ा लिखा समझदार लग रही, वो इस हकीकत को समझ जाए। मैं जाहिल अनपढ़ गवार सही, पर एक बात अच्छी तरह जानती कि मर्द पामे पढ़ा लिखा हुए या फिर जाहिल हुए, सब एक जैसे होते। मर्द के गुनाहों पे और कुताहियों पे पर्दा पाके ना औरत उसे कबूल कर लेती है, पर मर्द औरत पे गुनाह भी होए ना तो उसको सजा जरूर देता है। हैरत की बात है। आंटी कह रही हैं कि उन्होंने 2 महीने के लिए इस मकान को किराए पर दिया, जबकि उस शख्स का कहना है कि उसने ये मकान खरीद लिया है। तुम्हारी आंटी के दामाद के बारे में तो हम सब जानते हैं। दुख की बात तो यही है कि सब कुछ जानने और सहने के बावजूद भी मलिहा अपनी मर्जी से उस घर में शादी करके गई है। तो तुम क्या कर सकते हो? मैं इतनी आसानी से तो वो घर खाली नहीं करूंगा।
मुझे आंटी ने भी घर खाली करने से मना कर दिया। मुझे तो लगता है तुम्हें एक नई जंग लड़ना पड़ेगी। यार यही समझ नहीं आता कि मैं किस महाज पर लड़ूं। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं मलिहा को डायरेक्ट फोन नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फाखरा को मलिहा के पास भेजो ताकि हमें अंदर की स्टोरी मालूम हो सके? वेरी गुड। काफी दिनों से फाखरा और मलिहा की मुलाकात भी नहीं है। मैं उसे भेजता हूँ। ओके? ठीक है। ओ हाँ, मलिक साहब अपने क्लाइंट को लेकर गए होंगे मकान दिखाने के लिए। लेकिन बेटा, मलिक साहब ने तो बड़ी अजीब सी बात की है। उन्होंने इफ्तिखार से कहा है कि उन्होंने वो मकान खरीद लिए है। मलिहा जी, आप लोग खाना खा लें, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। शिराज, आप अभी तो आए हैं, आप जा रहे हैं। खैर, कब तक आएंगे? देर हो जाएगी। बेटा, वो तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो दरअसल इफ्तिखार की अम्मी से बात हुई थी। इफ्तिखार की मुलाकात हुई है मलिक साहब से। ओ हाँ, मलिक साहब अपने क्लाइंट को लेकर गए होंगे मकान दिखाने के लिए। लेकिन बेटा, मलिक साहब ने तो बड़ी अजीब सी बात की है। उन्होंने इफ्तिखार से कहा है कि उन्होंने वो मकान खरीद लिए हैं। वैसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, और इफ्तिखार से भी कह रहे थे कि वो घर खाली करते। ठीक है, मैं वापसी में जाकर मलिक साहब से मिलूंगा और पूछूंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। बस बेटा, तुम उन्हें कह दो मैं ये मकान किराए पर नहीं देना चाहती। ठीक है, अगर आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं कह देती। बात ये नहीं है फिराज, आप तो खामखा में बुरा मना जाते हैं। आजकल के हालात देखें, आपको मालूम है किसी भी जमीन पे या घर पे कितनी आसानी से कब्जा हो जाता है, मामूल की बात है। मलिहा, अब तुम मुझे सबक सिखाओगी? तुमसे ज्यादा जमाने को देखा है मैंने। बेटा, हमने तुम्हारी जबान पर ही एतबार किया था, लेकिन तुम्हें भी हमारी परेशानी का एहसास होना चाहिए। उल्टा तुम नाराज हो रहे हो। ये भी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। अम्मी प्लीज, आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो, तुम देख नहीं रही हो शिराज का रवैया कितना बदल गया है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, इनमें तब्दीली तो मैं भी महसूस कर रही हूँ। खैर छोड़ें, आइए। वालेकुम सलाम। आप तो राजा, आजा मेरे पास, आजा बस। क्या बात है, आज बड़ी देर लगा थी। मामा जी, बस वो काम की ज्यादती थी इसलिए देर हो गई। परेशानी तो नहीं लग रहा है कि परेशानी है? बता मुझे क्या परेशानी। मामा जी, वो आंटी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उन्होंने 2 माह के लिए इस घर को किसी स्टेट एजेंट को किराए पर दे दिया। लेकिन लेकिन क्या? वो स्टेट एजेंट मुझे सुबह कोर्ट जाने से पहले मिला था। वो मुझे कह रहा था कि ये घर उसने खरीद लिया है। तो ये डीलर तो इसको कोई सियासतदार टाइप लगता है, कब्जे की नियत लगती है इसकी। एजेंट ने मुझे कहा कि ये घर खाली कर दो, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। समझ में नहीं आ रहा है मामा जी कि आखिर हो क्या रहा है। हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं।
فکر نہ کر, اللہ خیر کرے گا. یہ جو بری کڑی ہوتی ہے نا, یہ ٹل جانے کے لیے. پتر آج تمہارے جانے کے بعد نا شنو کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو آپ نے مجھے فون کر کے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی بات نہیں ہے, جو اس بیچاری کی حالت ہے تو پھر صحت پہ اثر پڑنا ہی ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں دکھایا ہے ڈاکٹر کو. ڈاکٹر نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, بس تھوڑی سی کمزوری ہو گئی ہے. اے بطول, اے بطول, تجھے بھی بس باتیں کرنے کا بہانہ چاہیے. وہ نظر آ گیا منڈا تو شروع ہو گیا, دھکا ہوا جا کے تھانے تھانے کا بندہ. ماما جی, وہ شنو کی کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں پتر, کیا کیا پریشانی ہونی ہے, بس ڈاکٹر نے دیکھا ہے, کچھ ٹیسٹ ویسٹ بھی کیے ہیں, دوائیں لکھ دی ہیں, ان شاء اللہ کھائے گی ٹھیک ہے. شکر. ماما جی کیا سوچ رہے ہیں؟ او میں اپنے مکان والوں کو سوچ رہا ہوں نا بیچارے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیلر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں. یہ ضرور اس نے کرایے کا بہانہ کر کے مکان لیا اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ماما جی. بیگم صاحبہ, کافی رات ہو گئی, آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ کیوں, صرف میرے لیے کیوں؟ اما بیٹی کھانا نہیں کھائیں گی؟ نہیں, وہ ان دونوں کو بھوک نہیں لگ رہی. بھوک نہیں ہے یا میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ان کے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہی؟ وجہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن دونوں کافی پریشان لگ رہی تھی. کیا پریشانی؟ مجھے نہیں پتا. تمہیں اور ان کی پریشانی نہ معلوم, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بیگم صاحبہ سچ میں مجھے نہیں پتا. درجہ مکار لڑکی ہو تم, نمک ہمارا کھاتی ہو, وفاداری ان کے ساتھ کرتی ہو. دفع جاؤ میرے کمرے سے, نکل جاؤ, مجھے کھانا وانا نہیں کھانا. آؤٹ. جانور. کیا کہہ رہا تھا؟ طبیعت کا پوچھ رہا تھا. تو نے اس کو ڈاکٹر والی بات تو نہیں بتائی؟ نہیں. بتانا بھی نہ, پوچھے نا تو کوئی بھی بہانہ کر دینا. میں تمہیں ایک جھوٹ بول کے میری ساری زندگی برباد کی, کتنے جھوٹ بلوانے اور؟ بحث نہ کر, بس کر دے. ویسے میرا دماغ خراب ہے. یہ تیری زندگی کا مسئلہ ہے. مر چکی شنو, جو تیرے سامنے کھڑی ہے نا صرف ایک زندہ لاش ہے. بکواس نہ کر. دیکھ اماں, جو بھی سچ ہے نا سب افتخار کو بتا. چپ کر. میں پہلے بڑی اذیت میں ہوں, خدا کا واسطہ تو رحم کھا لے تو مجھ پر. ایسے ایسے نہ کر, یہ میرا دل بڑا کمزور ہے. میرا گھر ہے اور اس کی حفاظت میں کر سکتی ہوں. نہیں امی, میں اس چیز سے لا تعلق نہیں رہ سکتی, پلیز. شیراز, اگر تم نہیں پوچھ رہے ہو تو ملک صاحب سے میں خود جا کے پوچھ لیتی ہوں. ملیہ, میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا, اور پلیز مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں. جیون